अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप में से कई हजरत कमेंट सेक्शन में इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से किए जा रहे फैमिली डिजिटल कार्ड के डोर टू डोर सर्वे अगर हमसे मिस हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें। क्या ये डोर टू डोर सर्वे उन लोगों का भी किया जाएगा जिनके पास पहले से ही राशन कार्ड मौजूद है। कुछ इस तरह के अहम सवाल कमेंट सेक्शन में किए जा रहे हैं, लिहाजा आपके तमाम सवाल के जवाब इस वीडियो में जरूर दिए जाएंगे। लिहाजा वीडियो पूरा एंड तक देखें ताकि कोई भी डिटेल सबसे मिस न हो। तो दोस्तों, जैसा की आप लोग जानते हैं, रविंद्र रेड्डी हुकूमत पूरी रियासत तेलंगाना में एक फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई को अमल में लाने वाली है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से फिलहाल एक डोर टू डोर सर्वे मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें सरकारी अहदेदार रोजाना 40 घरों के सर्वे के नाम पर तफसीलात हासिल करेंगे और ये सर्वे रियासत तेलंगाना के 119 हलकों में अंजाम दिया जा रहा है और हर असेंबली हलके के सिर्फ एक गांव और शहर को ही मुंतखब किया गया है और इस सर्वे की आखिरी तारीख कल यानी 7 अक्टूबर मुंतखब की गई है। लिहाजा 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हुकूमत की जानिब से फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई के लिए एक डोर टू डोर सर्वे मुनाकिद किया जा रहा है। तो लिहाजा वो हजरात जो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि उनके घरों का सर्वे अभी तक नहीं किया गया है, क्या उन्हें हुकूमत की जानिब से फैमिली डिजिटल कार्ड हासिल होगा या नहीं। तो दोस्तों, इसके मुताबिक हुकूमत की जानिब से साफ वजाहत कर दी गई है कि ये डोर टू डोर सर्वे पूरी रियासत तेलंगाना में सिर्फ छोटे पैमाने पर ही मुनाकिद किया जा रहा है ताकि हुकूमत तक अवाम की एक सही राय पहुँच सके और इसी की बुनियाद पर आने वाले वक्फे में हुकूमत की जानिब से एक सही मनसूबाबंदी के तहत बड़े पैमाने पर डोर टू डोर सर्वे मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें तेलंगाना में मौजूद हर अफराद खानदान की तफसीलात हासिल किए जाएंगे और तमाम की तफसीलात को डेटा के तौर पर स्टोर किया जाएगा और हासिलशुदा डेटा का ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन होने के बाद ही हुकूमत की जानिब से फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई फराहम की जाएंगी। तो लिहाजा आप लोग ये सोच के बिल्कुल भी परेशान ना हो कि कल सर्वे की आखिरी तारीख है और हमारा सर्वे अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि यकीनन हुकूमत आने वाले वक्फे में एक बड़े पैमाने पर डोर टू डोर सर्वे जरूर मुनाकिद करेंगी, जिसकी तारीख में और मजीद ज्यादा इजाफा भी किया जाएगा। दोस्तों, इस खबर से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप में से कई हजरात हमारे वीडियो से देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो लिहाजा आप सबसे अदबन गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड मजीद अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।